आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो है साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स। साइंस का एक कौन सा पार्ट है जी? फिजिक्स, क्लास 10th का, ठीक है ना। एक साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स यानी भौतिकी, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, भौतिकी के बारे में बात करने से पहले आपको हम बता दें, फिजिक्स के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें, हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये फिजिक्स आपको जो हम पढ़ाएंगे, फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या 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 चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर है, क्या सिलेबस इसकी है, किस तरह से इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए यार, फिजिक्स का बात किया जाए तो फिजिक्स का पहला चैप्टर दिया हुआ आपका प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश दिया हुआ। प्रकाश में देखिए दो भाग है इसका, एक परावर्तन एक अपवर्तन, एक प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का इंग्लिश हो गया आपका लाइट, परावर्तन का रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, अपवर्तन का हो गया रिफ्रैक्शन, क्या हो गया रिफ्रैक्शन। इस सारे चीज को हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। सबसे पहले जब हम आएंगे इस चैप्टर 1 में प्रकाश के बारे में समझेंगे, प्रकाश होता क्या है, ठीक है ना, प्रकाश होता क्या है, किसी भी चीज को आप देख पाते हैं तो क्यों देख पाते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना। इस चैप्टर का एक भाग दिया आपका परावर्तन, एक दिया है अपवर्तन, दोनों अलग अलग परावर्तन और अपवर्तन को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका चैप्टर आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, मानव नेत्र, हमारा जो आँख है आँख कैसे बना है, इसका क्या वर्क है, नहीं, और इससे सारी दुनिया को देख पाते, सारी चीज को देख पाते, आँख नहीं रहेगा तो क्या होगा, नहीं, सारे इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है आपका थर्ड चैप्टर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। क्या था इलेक्ट्रिसिटी? आप घर में क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं, ठीक है, हीटर हीटर जलाते हैं, ठीक है, हीटर का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, फ्रिज का यूज करते हैं, यानी कोई भी चीज एप्लीकेशन जो आप इलेक्ट्रिसिटी पर रन करता है, ठीक है ना, तो आखिर वो रन क्यों करता है, सर क्या कारण है, ठीक है, विभिन्न चीजों के बारे में इसमें क्या करेंगे हम लोग चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर आपका दिया हुआ है यहाँ पे विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत जब भी किसी पथ से जब विद्युत धारा प्रवाह करती है, ठीक है ना, उसके कारण क्या होता है कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है ना, आखिर चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, इन सारे चीजों के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद अगला आपका टॉपिक आता है ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा आता कहाँ से, ठीक है ना। हम लोग जो अभी मान चलिए आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं, मेरे पास एनर्जी है तब तो बोल पा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं इस बात को, आपके पास एनर्जी है तब तो आप सुन समझ रहे हैं, आखिर ये एनर्जी आता कहाँ से, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आप समझ गए, 5 चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको इसके अलावा जो आपको क्या पढ़ाया जाएगा समझिए, इस चैप्टर जो आपको तो इसको थ्योरी पसंद आया जाए, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ आपको इसमें जो है ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा जी? ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, ठीक है ना, साथ साथ ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखिए इस तरह से बताया जाएगा आपको कि जैसे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ा है, पहले प्रकाश पढ़ा है, प्रकाश के अंतर्गत पहले परावर्तन आता है, ठीक है, परावर्तन पूरा पढ़ा दिए, ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है ना, सारे ऑब्जेक्टिव को आपको कराया जाएगा, ठीक है, अपवर्तन के अंतर्गत जितने बनेंगे उसको कराया जाएगा। इसी तरह से पूरे चैप्टर में हर एक पॉइंट को लेकर ऑब्जेक्टिव आपको डील कराया जाएगा थ्योरी के साथ साथ, समझ रहे। इसके बाद देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें न्यूमेरिकल, एग्जाम में पूछा जाता है न्यूमेरिकल, पूछा जाता है जी। आप लोग तो अभी फॉर्म भी क्लास 10th 9th में गए हैं, सॉरी क्लास 9 से 10th में गए हैं, क्लास 9 से जो 10th में गए हैं आप लोग, ठीक है, उसके अंदर देखिएगा एग्जाम जो होता है न्यूमेरिकल मायने रखता है उसके लिए, अब 12th 11th में जाइएगा तो वही न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसीलिए क्या है, इसमें जो है न्यूमेरिकल जो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, न्यूमेरिकल आप कंसेप्ट इसमें आपको हम क्लियर करवाएंगे, समझ गए बात को, न्यूमेरिकल करवाएंगे। ये मतलब पूरा आप जो देख रहे हैं ये सब क्या है, पढ़ाने का मेरा शेड्यूल है, ठीक है ना, फिजिक्स में आपको ये चीज़ पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव साथ न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा, सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक, और ये क्लास जो आपका रेगुलर रहेगा,
इसलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और साइड में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि उससे आपको अपडेट मिलती रहती है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसे कीजिएगा, ताकि उसको बोलिए उनको कि मतलब यार क्लास होने वाला है, कहाँ आप लोग हैं, मतलब क्या क्लास होने वाला है, जल्दी रेगुलर इसमें होइए, ठीक है। ये जो क्लास आपका है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्लास आपका रेगुलर चलेगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा, क्लास आपका रेगुलर रहेगा, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है ना जी। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और प्रकाश के परावर्तन के साथ, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।